आप सभी का लर्न इट में स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी क्लास 11th का चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो देखते हैं हम कौन सा टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं। पहला है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और सेकंड है किंगडम मोनेरा। बाकी सारे क्लासिफिकेशन हम अगले आने वाले वीडियो में देखते जाएंगे। तो पहले टॉपिक के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वो है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब इसकी जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह है कि ये एक प्रोसीजर है किसी भी ऑर्गेनिज्म को अरेंज करने के लिए, किस कैटेगरी के अंदर, ग्रुप्स और उनके सब ग्रुप्स के अंदर, किस बेसिस पे, तो होती है सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी के बेसिस पे। और इनको किसी ग्रुप के अंदर या हम जब कैटेगरी में डिवाइड करते हैं तो इस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सेकंड की बात करते हैं हम तो एरिस्टोटल जो कि एक फेमस साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिवाइड करा था इस पूरी चीज़ को इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स, और प्लांट्स को उन्होंने डिवाइड करा था तीन कैटेगरी के अंदर। तो पहली कैटेगरी है हर्ब्स, शर्ब्स और ट्रीज, और एनिमल्स के अंदर उन्होंने दो कैटेगरी में इनको डिवाइड किया था एनिमल्स को। एक एनिमल जिनके अंदर लाल खून था और दूसरे के अंदर जिनके अंदर ऐसी कोई सी भी सिमिलैरिटी नहीं देखने को मिलती है, इसीलिए इसके सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को डिवाइड किया गया। आगे हम नेक्स्ट में देखेंगे कि और कौन से डिवाइडेशन या क्लासिफिकेशन होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को अरेंज करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक ये कहता है कि इम्पॉर्टेंस क्या है क्लासिफिकेशन को करने की। अगर हम देखते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को तो हर एक ऑर्गेनिज्म की पढ़ाई करना या पता करना इतना आसान नहीं है। अगर हम क्लासिफिकेशन करके रखते हैं सारे ही ऑर्गेनिज़म्स का या जितने भी ऑर्गेनिज़म्स के बारे में हम जानते हैं, तो आगे जाके अगर हमें कोई नया ऑर्गेनिज़म मिलता है तो उसकी आइडेंटिफिकेशन करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है। और अगर आपको किसी भी एक ऑर्गेनिज़म के बारे में पढ़ना है तो आप उनमें के ग्रुप में से किसी एक या दो ऑर्गेनिज़म्स के बारे में अगर पढ़ेंगे तो आपको उनके एसेंशियल फीचर्स, ग्रुप्स और उनके बारे में इंफॉर्मेशन आसानी से प्रोवाइड हो जाएगी। क्लासिफिकेशन का एक और इम्पोर्टेंस ये है कि उससे हमें किसी के रिलेशनशिप, जैसे कि दो ऑर्गेनिज़म्स के बीच के रिलेशनशिप के बारे में भी पता पड़ता है, वो कैसे आपस में कनेक्टेड हैं या कनेक्टेड नहीं हैं। नेक्स्ट, किसी भी ऑर्गेनिज़म के पास्ट के बारे में पता करना है तो हमें एक प्रॉपर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को मेंटेन रखना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक में है क्लासिफिकेशन के बारे में। बहुत सारे साइंटिस्ट और पर्सन्स ने डिफरेंट क्लासिफिकेशन दिए थे। पहला था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, सेकेंड था 3 किंगडम क्लासिफिकेशन और थर्ड था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, डिफरेंट पर्सन्स और डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा दिए गए। तो पहले के बारे में बात करते हैं तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो दिया था वो दिया था कार्लस लीनियस ने, और इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। अब इन्होंने ये बोला था कि किसी भी सेल के सेल वॉल की प्रेजेंस या एब्सेंस के कारण हम उनको दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। प्लांट के अंदर क्योंकि सेल वॉल होता है तो उसको एक ग्रुप में डाल दिया गया, और एनिमल्स के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होता है इसीलिए उन्हें किस में डाल दिया, सेकंड ग्रुप में डाल दिया, जिसको बोलते हैं किंगडम एनिमेलिया। तो यहाँ से 2 किंगडम निकल के आए, किंगडम प्लांटे और सेकंड था किंगडम एनिमेलिया। मींस प्लांट कैटेगरी के अंदर सारे प्लांट्स आ गए और एनिमल्स के अंदर सारे एनिमल किंगडम के कैटेगरीज आ गई। तो ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन थी। एक और किंगडम दिया था जिसको बोलते हैं 3 किंगडम क्लासिफिकेशन या 3 किंगडम सिस्टम। जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था हैकल, जिन्होंने यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज़म्स को सेपरेट कर दिया। उसके अंदर भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज़म्स को इस बेसिस पे डिवाइड करा जिसके अंदर टिश्यू का डिफरेंशिएशन नहीं होता, मतलब एक सेल आगे जाके डिवाइडेशन नहीं होता है इनटू डिफरेंट टिश्यूज और डिफरेंट टाइप्स। तो यहाँ पर उन्होंने 3 कैटेगरी लाए। फर्स्ट थी किंगडम प्लांटे जो पहले से थी, किंगडम एनिमिलिया वो भी पहले से थी, उन्होंने एक और चीज़ को इंट्रोड्यूस करा जिसको बोलते हैं किंगडम प्रोटिस्टा इनटू द 3 किंगडम सिस्टम। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके अंदर ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, जो आज भी माना जाता है। किसने दिया था, तो साइंटिस्ट का नाम है R.H. विटेकर, जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। तो ये 5 किंगडम में जो डिवाइडेशन है वो इस प्रकार है। पहला है मोनेरा, सेकेंड है प्रोटिस्टा, थर्ड है फंगाई, फोर्थ है प्लांटे और फिफ्थ है एनिमेलिया।
अब किस बेसिस पे या किस क्राइटेरिया पे इसका क्लासिफिकेशन किया गया, तो उन्होंने इसका क्लासिफिकेशन किया सेल के स्ट्रक्चर को देखते हुए, किस तरीके से वो एनिमल या ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन लेता है, थर्ड वो किस प्रकार से रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करता है, और उसका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कैसा है दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ में। अब हम बात करते हैं सबसे पहले किंगडम की, जिसको बोलते हैं किंगडम मोनेरा। अब इस किंगडम मोनेरा के अंदर जो इंक्लूड होते हैं उन सभी को हम प्रोकैरियोट्स के नाम से जानते हैं। प्रोकैरियोट्स के अंदर कुछ टाइप के ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनका नाम है माइकोप्लाज्म, बैक्टीरियाज, एक्टिनोमाइसिड्स एंड साइनोबैक्टीरिया। अब इनकी कैटेगरीज की या इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो पहला आता है, जितने भी मोनेरा किंगडम के अंदर ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं वो सभी यूनिसेल्युलर होते हैं, मतलब सिंगल सेल के बने हुए। सेकंड, प्रोकैरियोटिक होते हैं और वो बहुत ही प्रिमिटिव होते हैं, मतलब बहुत ही पुराने ज़माने के सेल से बने हुए होते हैं। सेकंड बात करते हैं तो ये सारे के सारे सेल ही माइक्रोस्कोपिक होते हैं और इन सभी के अंदर सेल वॉल की प्रेजेंस होती है। माइक्रोस्कोपिक का मतलब है कि जिसे आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, मतलब आप अपनी आँखों से नहीं देख सकते, आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। थर्ड बात करते हैं तो जेनेटिक मटेरियल जो होता है, जैसे कि डीएनए, आरएनए एट्सेट्रा, वो सारा का सारा जो मटेरियल है वो ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं होता न्यूक्लियस के अंदर, इसीलिए उसे नेकेड डीएनए कहा जाता है। यहाँ पर ऑर्गेनल्स की जहाँ तक बात करते हैं तो सारे के सारे ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेन बाउंड होते ही नहीं हैं, मतलब सारे के सारे ऑर्गेनल्स इधर से उधर बिना किसी बाउंड्री के, बिना किसी मैनेजमेंट के घूमते रहते हैं। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन, यहाँ पर असेक्सुअल टाइप का होता है और किसी किसी के अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। फ्लैजिला क्या करता है, एक सेल को दूसरी जगह पहुंचाने के काम आता है। एग्जाम्पल लेते हैं तो एग्जाम्पल आता है ब्लू ग्रीन एल्गे, बैक्टीरिया, ये सभी मोनेरा के अंडर में आते हैं। बैक्टीरिया के शेप की बात करें तो वो डिफरेंट टाइप के शेप्स में होता है। पहली बात करें तो अगर गोलाकार या स्पेरिकल की बात करें तो कोकस, सेकेंड रोड शेप का है तो बैसिलस कहलाता है, कोमा शेप का है तो विब्रियम कहलाता है, और अगर स्पाइरल शेप का है तो उसको स्पिरुलम कहते हैं। अब इस टॉपिक के अंदर डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन दिखता है जिसके अंदर हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया की एक झलक मिलती है। पहला है स्पाइरल शेप्ड कोकाई, देन बैसिलस, स्पिरुला, विब्रियो एट्सेट्रा। अगर हम बैक्टीरिया की बात करते हैं तो वो बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में भी आसानी से सर्वाइव कर जाता है, तो उस कारण से उसके नाम अलग अलग तरीके से पड़ जाते हैं। पहले की बात करें, अगर वो एक्सट्रीमली सॉल्टी एरिया में जहाँ पर नमक की क्वांटिटी एटमॉस्फेयर में बहुत ही ज़्यादा है तो उसको बोलते हैं हेलोफील्स। सेकंड, अगर कहीं गर्म पानी का स्रोत है या हॉट स्प्रिंग प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं हम थर्मोएसिडोफील्स। थर्ड बात करते हैं, जहाँ पर मीथेन गैस का आउटलेट ज़्यादा है या मीथेन गैस का प्रोडक्शन ज़्यादा है उस एरिया को बोलते हैं मार्शी एरिया, वहाँ पर अगर प्रेजेंट है तो बैक्टीरिया को कहा जाएगा मीथेनोजेंस। अब मीथेनोजेंस और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो ये बेसिकली जितने भी रूमिनेंट एनिमल्स हैं, चरने वाले एनिमल्स हैं, जैसे कि काउस की बात करें, बफेलोस की बात करें, जिनके पास 4 chambered स्टमक होता है, उन सभी के अंदर आपको मीथेनोजेंस के बैक्टीरियाज आसानी से देखने को मिल जाएंगे। इसी कारण से यहाँ पर जो प्रोडक्शन होता है बायोगैस का या मीथेन का, वो मीथेनोजेंस के कारण होता है, किससे, काऊ की डंग से। अब और आगे चलते हैं और पता करते हैं बैक्टीरिया का बेसिक डिवाइडेशन 2 parts में कैसे होता है। तो बैक्टीरिया का यहाँ पर जो डिवाइडेशन है वो है पहले पार्ट के अंदर, उसको बोलते हैं हम आर्की बैक्टीरिया, और सेकेंड को बोलते हैं यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया माना जाता है कि सबसे पुराने एंशंट फॉर्म में हमें आर्की बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं, बहुत ही पुराने सेल हैं जो आज तक अलाइव हैं। सेकंड बात करते हैं तो यू बैक्टीरिया आता है, इन यू बैक्टीरिया को हम कहते हैं ट्रू बैक्टीरियाज। अभी ट्रू बैक्टीरियाज क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके पास एक टफ या रिजिड सेल वॉल्स होती है। अगर ये इधर से उधर घूम सकते हैं, जिसको बोलते हैं मोटाइल होना, तो इनके अंदर फ्लैजिलम होगा या जिसको बोलते हैं चप्पू होगा, जो यहाँ से वहाँ किसी भी एक सेल को मूव कर सकता है, किसी किसी के अंदर ही प्रेजेंट होता है।
थर्ड बात करते हैं, यहाँ पर क्लोरोफिल ए और कैरोटीनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए ये फोटोसिंथेटिक नेचर के हो जाते हैं, मतलब ये अपना खाना खुद बना सकते हैं। किस प्रोसेस के थ्रू? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। लास्ट बात करते हैं तो ये यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल या फिलामेंटस भी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर से लेकर खारे पानी तक और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में भी आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक का लास्ट पोर्शन है जिसको बोलते हैं माइकोप्लाज्म। ये एक टाइप का मोनेरा है, बेसिकली ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट है माइकोप्लाज्म, और इसको सबसे प्रिमिटिव जिसको बोलते हैं सबसे पुराना प्रोकैरियोट्स भी कहा जाता है। इसको एक और नाम से जानते हैं हम जिसको बोलते हैं PPLO, जिसका फुल फॉर्म है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। इसकी एक खासियत ये है कि इसके अंदर सेल वॉल्स प्रेजेंट नहीं होते और ये विदाउट ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के बिना भी सर्वाइव आसानी से करते हैं। एक और चीज़, ये प्लांट और एनिमल के अंदर डिसीज़ प्रोवाइड करते हैं या डिसीज़ भी बहुत सारी देते हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक्स वेरी वेल, बट फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग आई अर्ज ऑल ऑफ यू टू रिपीट दिस वीडियो अगेन फॉर क्लियर अंडरस्टैंडिंग। इफ यू लाइक द वीडियो एंड इट्स कंटेंट, give it a thumbs up and don't forget to comment your name in the comment section. If you are unable to understand or is struggling in any of the topic, please write the topic in the comment section. I'll surely try to get to you soon. So for more of such videos, stay tuned to the channel, stay safe, stay healthy, and don't forget to learn it.